हाय गाइस, एक्सप्लोरेटेड हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज मेरे पास ये है बड़ा सा चीज़, ये की है जो आर्मरेस्ट है, कार आर्मरेस्ट स्पेशली फॉर पंच। बट ये चीज़ ये गाड़ी में फिट होता है क्या नहीं, और क्या क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, तो वो ही मैं बताऊंगा। सो पहले आप ये जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है वो आगे आप देख लो। कमिंग टू द अनबॉक्सिंग पार्ट, ये है आर्मरेस्ट जो अमेजोन से आया है। ये मैंने ओपन करके सिर्फ दिखा जो हाँ आर्मरेस्ट था कि नहीं, क्यों एक बार मैं ये ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ एक्चुअल में चीज़ कैसा है। ऑलमोस्ट मैं इधर अनबॉक्स कर दिया, तो ये चीज़ ये सब चीज़ मैं गाड़ी में जाके उसके बाद ही अनबॉक्स करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चीज़ ओपन करता हूँ, ये सब जो है पैक, ये अनपैक करता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। एकदम अच्छे से करके दिया था, और इधर एक मतलब जो है एक सेफ्टी प्लेट बोल सकते हो, ये चीज़ भी दिया क्योंकि ये वुडन का है। और मैंने ये दिखा, ये मुंबई से आया शायद, तो इसके लिए मतलब अगर ड्यूरिंग दैट शिपिंग वाला पार्ट उसमें अगर ये टूट सकता था, तो इसके लिए ये जो है ये सेफ्टी प्लेट दिया। सो एकदम टोटली अनरैप कर दिया, और इधर एक ग्लास होल्डर बोल सकते हो, ये ग्लास होल्डर दिया है, और इसका प्राइस मुझको पड़ा है 1850 रुपीज़। हाँ प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट ये मिल सकता है, मतलब 1000 रुपीज़ के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। बट क्योंकि मैंने ये अमेजन से लिया, तो इसके लिए थोड़ा सा इसका प्राइस मुझको ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इससे कम में भी था, 1100-1200 रुपये में था, लेकिन वो चीज़ पाँच में फिट होगा कि नहीं, तो इसके लिए मैंने वो रिस्क नहीं लिया। लेकिन अभी तक तो मालूम नहीं ये चीज़ फिट होगा कि नहीं, तो देखता हूँ। ये चीज़ एकदम अच्छे से फिट हो गया, एकदम प्लग एंड प्ले है, तो कोई भी उतना दिक्कत नहीं। वाओ, हैंड ब्रेक में भी उतना कुछ प्रॉब्लम कर नहीं रहा है, ठीक है। हाँ ये चीज़ है कि हैंड ब्रेक के लिए आपको ये चीज़ उठाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हैंड ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक ठाक है, मतलब हाँ नॉट बैड एक्चुअली। देखो तो ये चीज़ है, इधर आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा। हाँ ये आर्मरेस्ट होने के वजह से इधर का जो स्पेस है एक्चुअली, ये दो जो दो कप होल्डर है, ये स्पेस आपको नहीं मिलेगा, मतलब यही स्पेस में ये चीज़ बैठेगा, तो इसके लिए। बट हाँ क्वालिटी एकदम ठीक ठाक है, ये टोटली वुडन का है एक्चुअली, देख लो वुडन है, वुडन के ऊपर एक थोड़ा सा लेदर का रैप करके दिया, और ये है एक्चुअली प्लास्टिक का, एंड ये भी है लेदर का। बट अगर इसमें ऑरेंज का एक स्टिच होता तो अच्छा होता, ये चीज़ मैं देखूंगा बाद में। मैं यहाँ पर ऑरेंज का स्टिच अगर पॉसिबल होगा तो मैं कर दूंगा, तो उससे मतलब लुकिंग में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो यही चीज़ है। हाँ मैं अभी तक के लिए मतलब लगाने के बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ, बात मालूम नहीं इसका मतलब फीडबैक कैसा होगा क्या नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आता है इस प्रोडक्ट से, तो इसके लिए मैंने अलग से फिर से वीडियो बनाऊँगा जी हाँ ये दिक्कत है, आप मत लो, और अगर ठीक ठाक चलेगा तो ठीक है। हाँ मैं यही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, हाँ इसका प्राइस ज़्यादा है, मतलब 1850 रुपीज़, बट अभी तक के लिए मतलब ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन के बाद अभी तक के लिए तो एकदम मुझको परफेक्ट ही लग रहा है, क्योंकि देखो सीट बेल्ट के लिए इधर भी जाएगा है, उतना कोई दिक्कत नहीं देगा, ऐसे खुल सकता है, ऐसे आप चाहो तो सीट बेल्ट लगा सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल यूनिवर्सल वाला आर्मरेस्ट होता है उसमें ये सीट बेल्ट ऐसे इतना इजीली आप नहीं लगा सकते हो, इधर मतलब वो आर्मरेस्ट इतना तक आएगा, तो अगर इतना तक आता आर्मरेस्ट तो आप ये सीट बेल्ट आसानी से नहीं लगा सकते हो, तो यही एक बात है। सो अभी तक के लिए वीडियो इतना तक ही, ये आर्मरेस्ट वाला पार्ट। और एक चीज़ आप चाहो तो ये मतलब एकदम ही ईजी है निकलने के लिए भी, ये आप देखो, एक मिनट मैं निकल के दिखाता हूँ, अगर आप चाहो तो ये चीज़ आसानी से निकल भी सकते हो, ये देखो निकल गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ऐसे निकल गया,
ऐसे फिर से फिट हो गया। सो उतना कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, और क्योंकि ये एकदम मतलब पांच के लिए ही है। आप इधर देखो, हैंड ब्रेक के लिए अलग से मतलब ठीक ठाक करके ये जो काटिंग है करके दिया एकदम एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैंने ये पांच वाला मतलब जो आर्मरेस्ट है ये लिया था। मैं एक बार मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ कैसे आर्मरेस्ट लगता है पीछे से। सो एक मिनट। देख लो आप यहाँ से आर्मरेस्ट को कैसे मतलब कैसे लग रहा है। इधर एक कप होल्डर मिलेगा जिधर मैं ये जो कार्ड डस्टबिन है यह अभी डाल के डाल देता हूँ। अब देख लो ऐसे लगेगा, पीछे से भी एकदम अच्छा लग रहा है। तो यही बात है। सो दिस इज फॉर दैट आर्मरेस्ट वाला पार्ट ऑफ टाटा पंच। एंड थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ अभी तक के लिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है और आपको इसमें कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।